भारत में 75 साल के आजादी के बाद इतने सारे समस्याओं से उलझ रहे हम लोग। इस स्थिति से भारत को अगर निकलकर बाहर जाना है, कुछ ये अब तक रूटीन जो 75 साल में चलता आया है उससे उठकर आउट ऑफ बॉक्स सोचना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है, ये मेरा बात नहीं है, अगर किया जाए तो भारत सर्वश्रेष्ठ देश इस दुनिया का बन सकता है, प्रभावशाली बन सकता है, प्रबल आर्थिक शक्ति बन सकता है। इसमें हमारा प्रयास होना चाहिए। एक उच्च गुणवत्ता वाली बदलाव भारत में चाहिए, ये बिल्कुल चाहिए। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है, पूरे दुनिया में जहां ज्ञान है वहां से प्राप्त करना चाहिए हम लोग। चाइना जिसकी जीडीपी हमसे कम थी 1980 तक, 81 तक भी, उन्होंने कर पाया, कर दिखाया। उनका इकॉनमी पहुंच गया 16 ट्रिलियन डॉलर में। आज हम 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में घूम रहे हैं। बड़ा शर्म की बात है, चाइना में हर चीज हमसे कम है, हर चीज की उपलब्धि हमसे कम है, लेकिन वो कहां पहुंच गया, आज टक्कर दे रहा है पूरे दुनिया के अग्र देश जो माना जाता है अमेरिका को, टक्कर दे रहा है, प्रतियोगिता दे रही है। हम कहां रह गए? ये ऐसे बने रहेंगे? ऐसे ही रहना चाहिए देश को? आज देश के युवा को, देश के बुद्धिजीवियों को सोचना चाहिए। मैं एक ऐसे पवित्र जगह बैठ के ये बात कह रहा हूं जहां से लोकनायक जयप्रकाशन जी के एक आवाज पे पूरी देश में क्रांति आई थी, तानाशाही का खात्मा किए थे, रिश्वतखोरी के खिलाफ में लड़ाई लड़े गए थे। ऐसे पवित्र भूमि में आकर कुछ प्रेरणा मिलता है, इसलिए गुजरात से सारे देश के युवाओं को, बुद्धिजीवियों को, राजनीति में जो लोग काम सक्रिय कर रहे हैं उन सारे लोगों से हम प्रार्थना करेंगे कि बीजेपी मुक्त भारत ही देश को आगे ले जाएगा। इनके धर्म के वाद पे, कुछ अन्य के वाद पे देश को तोड़ मरोड़ के जो कर रहे हैं, तोड़ना बहुत आसान होता है, जोड़ना बहुत कठिन होता है। एक बार टूटा देश, एक बार एक विद्वेष, एक हेट्रेड फैल गया, बहुत बुरा मुश्किल होगा, देश को बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम संभलने में फिर काफ़ी समय हमें लगेगा, इसीलिए इस खतरा से बचने के लिए हर किसी को आज सोचना चाहिए। इनके जो बहकाव है, झूठे वायदे हैं, झूठी बातें हैं और झूठा तरीका है, एक शर्म करने वाली बात है। भारत लोकतंत्र का मान्यता रखने वाला एक विशेष देश है, हमारा कोई प्रतिष्ठा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आज कहा जा रहा है खुलेआम, देश को चलाने वाले सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष खुद कहते हैं हम सारे पार्टियों का खात्मा करेंगे, एक पार्टी, सिर्फ एक पार्टी का तानाशाही लाएंगे। कहा तो ऐसा जा रहा है, तिरंगा को नहीं उड़ाइएगा, कहा शायद झंडा उड़ाइएगा अपने घरों पर, और वो लोगों का कुछ पकड़ने वाला नहीं है। ये तो देश के साथ गद्दारी हुआ, राष्ट्रीय ध्वज के साथ गद्दारी हुआ। वो लोग खुलेआम बयान देते जा रहे हैं, क्यों केंद्र सरकार चुप्पी साध रही है, क्या कारण है इसके पीछे? और आज जिस प्रकार के दंगे कराए जा रहे, जिस प्रकार के एक सहिष्णुता हमारे देश में बना हुआ था, जिसके प्रति हमारा देश का बड़ा मान्यता था, जो हमारे राष्ट्रपिता है, महात्मा गांधी जी ने अपने आप को नहीं कहा राष्ट्रपिता, सारे देश ने माना है, सर पे लिया है, ऐसे राष्ट्रपिता का अपमान किया जा रहा है कितने गंदे तरीकों से, और हम सब लोग चुप्पी साधे हुए हैं। ये कहां ले जाएगा देश को? क्या हम अपने दादा परदादा का अपमान करेंगे, अपने खानदान का अपमान करेंगे? ये किसी देश में होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहां ले जाएगा भारत को? आगे तबका को हम क्या सिखा रहे हैं? ऐसे भारत किसको चाहिए? और इनके प्रति कोई मतलब कुछ हुआ है, इनका कोई काम है, इनका कोई योगदान है, फलाने सेक्टर में कुछ हुआ है, किसमें सुधार हुआ जी? बातों के सिवाय कोई काम है नहीं। जब ये विपक्ष में थे, गला पाड़ पाड़ के जिन बातों कह रहे थे, जिन बातों का विरोध कर रहे थे, आज वही बात ये अमल कर रहे हैं। कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन टोटली, LIC को क्यों प्राइवेट कर रहे जी? दुनिया का बहुत बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है,
सक्षम कंपनी है, सक्रिय कंपनी है, करोड़ों जनता का, इस देश का बहुत प्यारा कंपनी है, उसको क्यों काटा जा रहा है, क्यों बेचा जा रहा है? पोर्ट भी बेचते, एयरपोर्ट भी बेचते, रेल भी बेचते, क्या बचेगा देश के लिए? इनका योगदान क्या है ये बेचने में लगे हुए? आखिर एक ही नारा बचा है, बेचो इंडिया, सब बेच दो, सभी बेच दो, सभी प्राइवेट कर दो, फिर क्या बचेगा देश को? बेच बेच के हमें जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है, दुनिया में हमारे क्या जगह रह जाएगा? इसीलिए सारे देशवासियों से हमारा अनुरोध है, हमारा अपील है, और हमसे जो संभव प्रयास होगा, हर संभव प्रयास हम करेंगे। ये कुछ कमजोर लोगों को डराते हैं, विपक्षियों को जिस तरह से सताते हैं, ये सच्चे हरिश्चंद्र के भाई है क्या? आज सबसे ज्यादा पैसे खर्च करने वाला चुनाव के टाइम पे भारतीय जनता पार्टी है, ये सारा दुनिया जानता है, सभी को मालूम है, आप लोगों को भी मालूम है, हम सभी जानते हैं। सबसे ज्यादा पार्टी में पूंजी रखने वाला पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, घोटाले किए जा रहे हैं, कभी हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कहीं नारा नहीं उठे। प्रधानमंत्री जब श्रीलंका गए, श्रीलंका में साफ बताया, वहां के लोगों ने उनके पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने बयान दिया है कि भाई इन्होंने अपने मित्र को, एक छोटे मोटे शाहूकार को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए श्रीलंका पे दबाव लाया है, वहां के युवा प्लेकार्ड लेके खड़ा हुआ है वहां के रोडों पे, ये सारे दुनिया के सामने है। कितना अपमान होता है देश का, इसका कितना भारी हमको चुकाना पड़ता है, देश का गरिमा, देश का प्रतिष्ठा किस प्रकार खत्म हो रहा है। और प्रधानमंत्री अमेरिका में जाके, जब अमेरिका अध्यक्ष का चुनाव होता है, इतना गलत कदम है। अमेरिका अध्यक्ष के चुनाव के प्रक्रिया में हमको हस्तक्षेप करना चाहिए? डिप्लोमेटिकली कितना रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। और इन्होंने साफ कह दिया अब की बार ट्रंप सरकार, ये क्या अहमदाबाद कॉरपोरेशन इलेक्शन है कि अमेरिका इलेक्शन है? क्या समझ के देश को दाव पर लगा रहे थे, वो आज हारे हुए, दूसरा आके बैठा है, देश के बारे में कुछ ख्याल है जो मन में आए कह दिए? इस प्रकार के नीतियां देश को कहां पर ले जाएंगे, क्या स्थिति देश की बनेगी, इस बात पे सोचना चाहिए। पत्रकार मित्रों से भी मेरा अनुरोध है, आप देश के प्रति जरूर कदम उठाना चाहिए, आप लोगों को जरूर सोचना चाहिए, देश में चेतना लाना चाहिए, जिनको जानकारी नहीं है उन तक बात पहुंचाना है। आप हमारे लोकतंत्र का फोर्थ स्टेट है, आपका मान्यता है, मैं बार बार दिल से आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों को भी लगना चाहिए। जब कभी इमरजेंसी जैसे सिचुएशन में पत्रकारिता का, फोर्थ स्टेट का, इस देश का क्या रोल रहा, आप एक बार याद कीजिए, आप फिर से एक बार आपको लगना चाहिए, मेरा आपसे अपील है।